आज यार हमसे 2 दिन दूर है रेसलमेनिया से। एंड कोडी रोज ने 2 दिन पहले कुछ ऐसा बोला जो कि हम पहले टॉपिक में बात करते हैं, जो कि अगर मैंने थोड़ी नहीं फिनिश करी तो मैं कमेंट्री टेबल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है इसमें। फिर अगर मैं फिर से हार गया यार तो ऐसा लगता है कि लॉस फिट किया है। एंड यार ये जो ऐसे सेंटेंसेस जब कोई रेसलर या कोई भी इंडस्ट्री में जब भी कोई ऐसा रिटायर्ड उसका रिजल्ट अपोजिट ही होता है। बट यार जो अगला अपडेट है वो भी देखने लायक है, तो चलो उसके तरफ बढ़ते हैं। तो यार ये उनके फर्स्ट डे के इंटरव्यू में, अब हम लोग बात करते हैं एमएमए आर्मी उन्होंने क्या बोला है। तो यार जो रेसलमेनिया की मैच थी उनने बोला कि वो उनको रिंग के अंदर ही पता लगी थी कि वो हारने वाले हैं जब रोमन ने उनको स्पीयर दिया था एंड 1 2 3 मैच ओवर। तो यार ऐसी भी चीजें हो सकती है, इसलिए कुछ कहना बहुत टफ है कहना कुछ। सो लेट्स सी यार, बस 3 दिन का वेट है, फिर हमें पता लग ही जाएगा कि स्टोरी फिनिश हुई है या ट्राइबल चीफ का रेन कंटिन्यू होने वाला है। साथ ही साथ एमएमए आर में कोडी रोज ने ये भी बोला है कि आपको ब्रांडी रोज देखने मिल सकती है, लास्ट ईयर भी देखने मिली थी, लेकिन इस बार ये मेंशन करना यानी ऐसा हो सकता है कुछ इन्वॉल्वमेंट भी हो ब्रांडी रोज का। सो लेट्स सी 3 दिन के बाद हमें क्या हंगामा केओस देखने मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 में, द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। अगला अपडेट यार लोगन पॉल की तरफ से, आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हो प्राइम का ट्रक दिख रहा है, और यार डब्ल्यूडब्ल्यू प्राइम की डील हुई है एंड लोगन पॉल का प्राइम है एंड लोगन पॉल इस रेसलमेनिया में है। लोगन पॉल ने हर अपने पेपर व्यू में स्पेशल एंट्रेंस दी है एंड ये रेसलमेनिया में आफ्टर प्राइम डील ये वाले ट्रक लग रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि लोगन पॉल की एक स्पेशल एंट्रेंस के लिए यूज होने वाला है। तो मुझे तो यार बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि लोगन पॉल के एंट्रेंस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड अभी क्लीवलैंड में समर स्लैम होने वाला है, तो बहुत जल्दी उनका फेस टर्न भी शायद चालू हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि इस बार की एंट्रेंस उनकी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। एंड आपको क्या लगता है वो कैसे आएंगे, वो बाहर से लेते हुए आएंगे ट्रक या सीधा अंडर ही स्टेज पे घुमाएंगे थोड़ा। सो एज वी नो यार डब्ल्यूडब्ल्यू इंडक्ट कर रहे मोहम्मद अली को इस बार के हॉल ऑफ एमएमए क्लास में एंड उनको इंडक्ट करने के लिए ऐसा रिपोर्ट आ रही है, फाइटफुल ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि हल्क होगन उनको इंडक्ट करने वाले क्लास ऑफ 2024 हॉल ऑफ फेमर में। एंड काफ़ी सेंस बन रहा है क्योंकि फर्स्ट रेसलमेनिया में हल्क होगन एंड मिस्टर टी वर्सेस पॉल ऑनरो एंड रॉडी पाइपर हुआ था, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे मोहम्मद अली एंड हल्क होगन एंड मिस्टर टी जीते थे। सो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि हल्क होगन का वर्ल्ड मीट जो है उसके अलावा एक और रोल हो सकता है रेसलमेनिया, वो है कि मोहम्मद अली को वो इंडक्ट करेगी हॉल ऑफ फेमर में। एनएसयू सब की बात कर लेते हैं 3 अप्रैल वेनेसडे के हिसाब से, तो यार हमारे इस बार के गो होम एपिसोड के एनएसटी साइन डिलीवर के एनएसटी की व्यूअरशिप 641K हुई है, जो लास्ट वीक से ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली इस बार ज़्यादा होनी थी। एंड मैं साइन एंड डिलीवर के लिए यार मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इतनी सारी मैचेज है एंड इतना मज़ा आने वाला है। एंड ट्रेक विलियम्स वर्सेस कार्मेलो लुईस, या वो मैच तो धमाकेदार होने वाली है। सारी मैचेस से धमाकेदार होगी, पर ये मैच में जो लिटरली जितने इन्वेस्टेड है सब, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोग को पहली बार एनएसटी देख रहे हो तो एनएसटी सैन एंड डिलीवर 9:30 PM पे आएगा सैटरडे को। हम लोग का सैटरडे संडे काफ़ी अच्छा है, सैटरडे को हम लोग पहले मॉर्निंग में स्मैकडाउन देखेंगे, रात को सैन एंड डिलीवर देखेंगे, अगले दिन रेसलमेनिया देखेंगे, मंडे को नाइट टू रेसलमेनिया देखेंगे। तो काफ़ी एक्शन पैक 3 दिन है हम लोग के। सैनेट डिलीवर की बात कर ही रहे हैं तो यार सैनेट डिलीवर की टिकट्स देखा जाए तो पूरी सोल्ड आउट होने वाली है, बस अवेलेबल टिकट्स 670 है और ये भी कुछ 12 14 12 टू 16 आज जगहों की फ़ोटो है। सो आई थिंक कि अब तक तो और 100 200 सेल हो ही गई होगी। स्पेशल अपीयरेंस तो सैनेट डिलीवर में भी होने वाली है, एक बार उसका बात लगेगा तो लोग शायद 1 दिन के अंदर भी टिकट लेते हैं। बाय द वे हम सिर्फ 50 आवर्स अवे स्टैंड एंड डिलीवर से, और 50 के बाद आप लोग और 6 to 8 आवर्स गिन लो, हम लोग रेसलमेनिया के 60 आवर्स से भी कम अवे है। मतलब क्या मजेदार होने वाला है यार, 3 दिन मजा आने वाला है। जाते जाते यार एनएसटी की इतनी बातें हो रही तो स्टैंड एंड डिलीवर के बैटिंग कोच की बात कर लेते हैं। टोनी डी एंजेलो से इलिया ड्रैगनोव में, इलिया ड्रैगनोव फेवरेट टू विन, फिर हमारा ट्रिक विलियम वर्सेस कार्मेलो, ट्रिक विलियम इज फेवर टू विन दिस मैच। उसके बाद है रॉक्सिन पेरेज वर्सेस लारा वर्किरिया, जिसमें रॉक्सिन पेरेज इज हाईली फेवर टू विन दिस मैच। उसके बाद है शॉन स्पियर्स वर्सेस जोकी सी, जो कि हमारी प्रीशो मैच होगी जिसमें शॉन स्पियर्स फेवर टू विन। फिर है एनएससी टैग मैच बैरन कॉर्बिन ब्रॉन ब्रेकर वर्सेज नेथन फ्रेजर एंड एग्जाम, जिसमें बैरन कॉर्बिन एंड ब्रॉन ब्रेकर
फेवरेट टू विन, बट मैं चाहता हूँ ये लोग ना जीते। रेसलमेनिया पे टाइटल स्प्लिट होने वाले हैं, ये लोग भी हारे एंड सीधा मेन रोस्टर पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे भी अगर इन लोग की डब्ल्यूडब्ल्यू को टीम चलानी है तो वहाँ पे भी टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद है हमारे पास ओबा फेमी जेसन ब्रिज डिजायर, जिसमें ओबा फेमी इज फेवर टू विन। फिर है हमारी लास्ट मैच टिया हिल फेलन हेनली केलानी जॉर्डन वर्सेस जेस जेसी जेन कियाना जेम्स इजी डेम, जिसमें टिया हिल फेलन हेनली केलानी जॉर्डन की टीम फेवर टू विन है।